भाइयों बहनों, जय साई राम। या आज साई बाबा मंदिर गया था आलंदी के पास पूना में, तो वहां बैठे बैठे सोच रहा था आज क्या बात करूं आप लोगों से। तो एक बहुत पुराना वाक्या मुझे याद आ गया कि पहली बार मुझे साई बाबा का रियल एक्सपीरियंस कैसे हुआ था। ये बात कुछ 15-20 साल की पुरानी बात है। मैं, मेरे माता पिता, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, हम सब लोग गोवा गए थे और फ्रेंड्स के साथ गए थे। एक मारुति वैन में गए थे और वहाँ पर गोवा में फ्रेंड के घर में रुके थे हम लोग। तो सुबह मेरी वाइफ करीब 6 बजे मुझे बोली कि थोड़ा जाके मिल्क ले आइए, दूध ले आइए और सबके लिए चाय बनाते हैं। तो मैं, मेरा बेटा और मेरा एक दोस्त, हम तीनों एक पुराना सा स्कूटर लेके निकले पंजिम में। स्कूटर लेके निकले, जाके हमने दूध खरीदा। उसके बाद में स्कूटर लेके मैं निकला तो वैसे ही मुझे डायरेक्शंस तो ठीक से याद नहीं रहते हैं। तो मैं रास्ता भटक के एक ऐसा टीला जैसा था, ऊंचा पहाड़, तो कच्चा पगडंडी थी, तो उस पर स्कूटर लेके चला और पता नहीं क्यों गया उधर। और जाते 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 जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो वहां पर एक मंदिर था। तो वो हम लोग उतरे, मैंने, अरे भगवान ने हमें यहाँ तक बुलाया है, चलो मंदिर के अंदर जाते हैं। तो मंदिर के अंदर गया तो वहां पर साईं बाबा का मंदिर था और सुबह सुबह गोवा में भजन चल रहे थे। और वो भी सब हमारे अपने एमपी वगैरह के जो भजन होते हैं, यूपी एमपी हिंदी भजन जो होते हैं, ओम जय जगदीश हरे और ये वो। तो मैं तो वैसे क्रिश्चियन परिवार का हूँ, बट मेरी जो पढ़ाई हुई है वो एक अच्छे कॉस्मोपॉलिटन स्कूल में हुई है, जहाँ हर धर्म को एनकरेज किया जाता था। तो मैं भी बैठ गया और खूब सारे भजन मैंने भी गाए और काफी सालों के बाद वो भजन मैंने गाए और कम से कम 1 घंटा मैं और मेरा दोस्त भजन गाए वहाँ पर। और फिर हम लोग बैठे निकले और हमने सोचा ये संयोग कितना खूबसूरत संयोग है, ऐसा क्यों हो गया है, इसका कारण समझ में नहीं आया। फिर दोपहर को करीब 10 बजे हम लोग सब वैन लेके निकले कि चलो गोवा घूमते हैं। तो पंजिम में एक पेट्रोल पंप के पास में जाके हम लोग, हमारी वैन खड़े हो गई। वहाँ वैन खड़ी हो गई तो मेरे मम्मी पापा और काफी लोग, 7-8-10 लोग बैठे थे, पीछे बाजू बैठे थे। और जो गाड़ी के ओनर थे वो उतर के पेट्रोल का पैसा देने गए और मैं एक पाँव बाहर रख के, मैं दूसरे साइड था ड्राइवर के दूसरे साइड, एक पाँव बाहर रख के और एक पाँव अंदर रख के मेरे पिताजी से बात कर रहा था और सर मेरा दरवाजे के बीच में था। हमारे बगल में एक बहुत बड़ी बस खड़ी थी, वो भी पूना की बस थी। तो सडनली क्या हुआ कि वो बस का डीजल भर गया और मेरा ध्यान तो बात में था, तो वो बस ने टर्न मारा। तो ऐसे हमारी गाड़ी थी और बस ने ऐसा टर्न मारा, तो ऐसे टर्न मारते वक्त बस ने जो खिड़की, जो दरवाजा खुला था सामने का, जिसके बीच में मेरा सर था, उसको दबाना चालू कर दिया। उसको दबाना चालू कर दिया तो मेरा सिर उसके अंदर में क्रश होना चालू हुआ। तो सडनली हमने देखा कि पीछे से हमारी कार, और पीछे पूरा लोड था वो गाड़ी में, पूरा लोड, कम से कम सामान भी थे और कम से कम 8 लोग बैठे हुए थे। तो पीछे की गाड़ी सरक गई और बस ऐसे पास हो गई और जो दरवाजे के नीचे मेरा सिर था बीच में, वो दरवाजा बेंड हो गया मारुति कार का। तो हम सब घबरा गए और मैं भी थोड़ा सा बौखला गया। और ये मेरा 8वां या 9वां एक्सीडेंट था जिसमें मैं बचा, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो फिर सडनली मेरे को रियलाइज हुआ कि आज मैं मरते मरते बचा हूँ। और मेरे को वो कारण समझ में आया कि मैं सुबह साईं बाबा के मंदिर कैसे पहुंच गया था। और मुझे मालूम है कि जब मैं पीछे कार को देखा तो कम से कम 3 फीट कार ऐसे घसीट के साइड में हो गई थी, जैसे किसी ने उठा के रख दिया उसको। तो ये मेरा विश्वास है कि शायद साई बाबा ने मुझे बचाया और सुबह वहां बुलाया। और इस तरीके से मेरा एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन साई बाबा के साथ में हुआ। ये पहली मेरी उनसे एक्चुअल ऐसी मुलाकात थी। बचपन से तो हम मानते ही थे उनको, बट ये पहली मुलाकात थी और पहला एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि यदि हम साई बाबा को, लोगों की जरूरत रहती है और हम लोग को साईं बाबा की जरूरत रहती है, ये दोनों की नीड होती है। और साईं बाबा खुद
ये देखते हैं कि भाई यदि किसी को मदद चाहिए तो वो मदद अपने आप कर देते हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं होती। बट मेरे ख्याल से तो दुआ वही है कि भाई हम एक अच्छे इंसान बन के रहें, प्यार से रहें, सबका मदद करें, माता पिता के साथ अच्छे रहें और एक ईमानदारी से मेहनत करते रहें। और हम यदि मंदिर भी नहीं जाए, पूजा भी नहीं करें, आरती भी नहीं करें, साईं बाबा की नज़र अच्छे लोगों के ऊपर हमेशा रहती है, बुरे लोग के ऊपर भी रहती है और वो हमेशा मदद को आते हैं। ऐसी कई कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, रोज एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। बट यही इस कहानी के जरिए बोलना चाहता हूँ कि मैं खुद होके नहीं गया था, मुझे उन्होंने बुलाया, अपने पास बैठाया, मेरे से गाने सुने उन्होंने और फिर दोपहर में मुझे बताया कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया था। तो बस आप सबकी भी रक्षा करें साईं बाबा, और यदि उन्होंने मुझे बचाया है और 9 बार बचाया है तो इसका कोई कारण है और कोई पर्पस है, तो मैंने वो पर्पस फुलफिल करना चाहिए और साईं बाबा की इस तरीके से सेवा करनी चाहिए। चाहे साईं बाबा हो, गुरु नानक हो, ईसा मसीह हो, ऐसी बड़ी बड़ी आत्माएं हैं, हर इंसान के अपने अपने श्रद्धा हैं। मैं तो सबको अपना गुरु मानता हूँ और बस उन लोग की दया के कारण मैं आज यहाँ जिंदा हूँ आपके सामने। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय।